नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडेज हेडलाइन में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। अपने इस खास पेशकश में उन तमाम खबरों का जिक्र करेंगे जिन्होंने ज्यादातर अखबारों की सुर्खियां बटोरी। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, श्री अनुराग पटेरिया जी और रमेश शर्मा जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है TNN में। पटेरिया जी, शुरुआत में आपसे करूंगी, क्या कुछ प्रमुख 10 खबरें हैं आपसे विस्तार से जानेंगे। ऋतु जी, आज मध्यप्रदेश के अखबारों में सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है, चाहे वो जैकेट पर हो, पेज फर्स्ट पर हो, पेज वन सेकंड पर हो, सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश विधानसभा का जो सत्र आज से चालू होने वाला था उसको स्थगित किए जाने की खबरों को लेकर है। हर अखबार ने अपने तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। अगर मैं कुछ बड़े अखबारों की बात करूं तो भास्कर ने कहा है, कांग्रेस ने पूछा क्यों नहीं होना चाहिए सत्र, सरकार का जवाब, यदि किसी विधायक को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी। वही पत्रिका ने एक सवाल खड़ा किया है, उन्होंने कहा है कि गोविंद सिंह ने बैठक के दौरान कहा कि अगर जो ACS हेल्थ यहां क्यों आए हैं, विधायकों की बैठक है, इसमें सिर्फ विधायक होना चाहिए, क्या विधायक तय करेंगे कि सत्र होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण मामला है और इसके बारे में निश्चित तौर पर एक विधायकों की जो राय है उसको महत्व दिया जाना चाहिए। नौकरशाही का दखल कम से कम हो, ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि तकनीकी विषयों के बारे में बताने के लिए उन्हें मौजूद रहना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ी खबर है कि ब्रिटेन से भोपाल और ग्वालियर में लौटे दो लोग संक्रमित पाए गए हैं, आज दिल्ली सैंपल भेजे जाएंगे, ये बड़ी बात है। इसके अलावा सीहोर में जो भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग और इंटरनेशनल प्रोग्राम चल रहा था उसको लेकर कई खबरें हैं जो पेज एक से लेकर अंदर के खबरों पर हैं। कल कांग्रेस की विधायक दल की बैठक और भी थी जिसमें जो खबरें निकल के आई हैं, सीहोर से जो खबर है वहां पे शिवराज जी ने प्रेस से बातचीत करते हुए ये संकेत दिए कि मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है और जल्दी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता माफिया को ठिकाने लगाना है, विस्तार तो हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विस्तार नहीं हो रहा है। नए साल में संगठन सत्ता के दो हिस्से यानी मंत्रिमंडल और निगम मंडलों में काफी हद तक नियुक्तियां हो जाएंगी, इसको लेकर एक सहमति बन गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने जो कुछ कहा है, जो गाइडलाइंस दी है, मुरलीधर राव ने उसको सिंधिया को, शिवराज को, बीडी शर्मा को, सुहास भगत सबको बता दिया है। मुझे लगता है चीजें अब और आगे नहीं चलेगी। इसके अलावा कमलनाथ ने अपने विधायकों से कहा है और सांसदों से कहा है कि आगामी चुनाव को लेकर वो तैयार हो जाएं, युवाओं और किसानों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष करें। इसके अलावा उन्होंने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को नसीहत दी है कि आप लोग विधायकों के साथ एक संवाद बना के रखें, क्योंकि अगर आपने संवाद नहीं बनाया तो उसकी दिक्कत कांग्रेस को होगी। एक ऐतिहासिक महत्व की खबर है, सागर जिले के एरन में केंद्रीय पुरातत्व विभाग खुदाई करने वाला है और मुझे लगता है इतिहास की नई परतों की जानकारियां मिलेंगी। पत्रिका ने एक बहुत ही दिलचस्प खबर दी है कि किस तरह रेत माफिया मध्यप्रदेश में ऑपरेट कर रहा है, उनसे दो डंपरों की तस्वीर के साथ खबर की है कि एक ही नंबर पर दो डंपर चल रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। पत्रिका ने एक खबर और दी है जिसमें कहा गया है कि इसरार नाम के मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम रखकर शादी करने की कोशिश की लेकिन आधार कार्ड से पकड़ा गया। आधार कार्ड किस तरह की चीजें जानकारियां लाते हैं बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है इस तरह के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए, सरकार भी सतर्क है, पुलिस भी सतर्क है और समाज भी सतर्क है, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू होने वाली है, इसको राज एक्सप्रेस ने प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया है। दिल्ली के आंदोलन को लेकर नया इंडिया ने काफी हद तक अपने पक्ष को रखा है और उन्होंने किसानों से बातचीत की जरूरत को बताया है, उसमें संकेत भी दिए हैं। इसके अलावा अगर अंग्रेजी अखबारों की बात की जाए तो फ्री प्रेस ने कुल मिला के फर्स्ट लीड जो बनाई है वो कुल मिला के जो विधानसभा का सत्र है उसको स्थगित करने को दिया, उन्होंने कहा असेंबली विंटर सेशन पुट ऑफ ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया का कोई कानून इस देश में ऐसा लागू नहीं हो सकता, ऐसी व्यवस्था जो रहती किसानों की जमीन छीन ली जाए। दरअसल वो किसान आंदोलन को लेकर कल जो बैठक होने वाली है उसके पहले स्थिति को स्पष्ट कर रहे थे। दिल्ली के किसान आंदोलन को लेकर तमाम अखबारों में अलग अलग तरह की खबरें हैं,
जिसमें कुछ ने दिल्ली को बंधक बनाए जाने की बात कही है, कुछ ने किसानों के आंदोलन को बात कही है, लेकिन राजनाथ सिंह के वक्तव्य को सभी अफवाहों ने काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया और कहा है कि किसानों की जमीन नहीं छीनी जाएगी। तो मुझे लगता है इन खबरों में काफी चीजें साफ हो गई है। जी रमेश जी, आपका रुख करूंगी, अगर बात यहाँ पे दैनिक भास्कर अखबार को उठाकर देखा जाए तो एक जो पहले चार पेज हैं, उन चार पेज में बकायदा उन्होंने जो भी 2020 की तमाम यादें थी उसको यहाँ पर संजो के रख दिया है। एक जो इनका फ्रंट लाइन अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या कुछ सिखा गया है 2020 उसको लेकर छापा गया, इसी पर आपका कमेंट। देखिए मोटे तौर पर हर वर्ष हर समाचार पत्र जब नया साल शुरू होता है तो उसके 2-3 दिन पहले से समीक्षा करता है। भास्कर ने वही समीक्षा की है कि कितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, आतंकवाद की कितनी घटनाएं हुई हैं, कोरोना ने क्या किया है और किस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ है, उन्होंने इन्हीं सब चीजों की समीक्षाएं की है। और मैं समझता हूँ ये हमको अगर नया साल हमको शुरू करना है, समय अगर बदलता है तो हमको पुराने समय की समीक्षा करनी ही चाहिए और उसमें सबक क्या है, क्या हमने ऐसी गलतियां की है जिससे हम भविष्य को सुधार सके, समाचार पत्रों की यही कोशिश होती है और भास्कर ने अपने चार पेज में यही कोशिश की है। हर साल इन्हीं तारीखों में 25 से 30 के बीच में हर अखबार समीक्षा करता है। बिल्कुल, इसके साथ ही एक खबर ये थी कि विधानसभा का सत्र का जो शीतकालीन सत्र है वो यहाँ पर स्थगित हो गया है और उसके बाद बकायदा यहाँ पे दैनिक भास्कर की जो हेडलाइन है वो कुछ इस तरह है कि कांग्रेस ने पूछा कि क्यों नहीं होना चाहिए सत्र और सरकार का जवाब यदि किसी विधायक को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। और जब विधानसभा सीट का शीतकालीन सत्र स्थगित नहीं हुआ था तब भी लगातार कांग्रेस यहाँ पर आड़े हाथ सरकार को ले रही थी और सवाल पूछ रही थी कि कोरोना के दौर में अभी जो सत्र है ये करवा ही क्यों रहे हैं। देखिए मोटे तौर पर उसका कारण यह है कि विधानसभा में जो सीटिंग व्यवस्था है उसको उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग से जो किए है उसपे 105 से ज्यादा विधायक बैठ नहीं सकते और दूसरा वहां पर करीब 80 कर्मचारी हैं जिसमें से 60 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए, अगर सत्र होगा तो वो कैसे चल पाएगा इन सब का, और फिर 9 विधायक कोरोना से संक्रमित हो गए। इन सारे कारणों से कल शाम को प्रोटेम स्पीकर और जो विधानसभा के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनकी और सीएम की बात होने के बाद ये निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ जो परिस्थिति विधानसभा में बन गई वहां पे अब कर्मचारी नहीं बचे, 63 कर्मचारी पॉजिटिव हो गए हैं कोरोना के, 10-12-15 कर्मचारी बने बचे हैं, अब उसमें तो संभव नहीं है विधानसभा सत्र होना, इसीलिए उसको हटाया है। और कांग्रेस का इस मामले में बड़ा बहुत आश्चर्यजनक है, पहले वो ये कह रहे थे कि कोरोना में क्या जरूरत है, अब स्थगित हो गया तो वो कह रहे हैं कोरोना में क्यों स्थगित हो गया, तो कुछ कई वक्त विरोधी दल का भी स्टैंड अलग अलग बदलता है तो इसको इसी ढंग से लिया जाना चाहिए। जी यहाँ पर एक खबर और है कि कमलनाथ ने अपने जो विधायक हैं उनको आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की है कि किस तरह से वो तैयारियों में जुट जाए। इसके साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठकों में कमलनाथ की चेतावनी, विधायकों से तालमेल बैठाओ, झगड़ा किया तो हटा दूंगा, क्या लगता है कि कोई नई कांग्रेस यहाँ पर उभर कर आएगी अब आगे आने वाले दौर में। देखिए कुल मिलाकर के कांग्रेस के साथ समस्या पिछले 1.5 वर्षों से 2 वर्षों से जब से कांग्रेस सरकार में आई है व्यक्त संवादहीनता की, मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ है, कार्यकर्ता विधायकों के खिलाफ है, विधायक मंत्री के खिलाफ है, ये जो सारा का सारा चल रहा है और इसी के कारण सरकार उनकी गिरी और इसी के कारण उनको उपचुनाव में नुकसान हुआ। कमलनाथ जी ने जिलाध्यक्षों के बीच में, विधायकों के बीच में और खासतौर से युवक कांग्रेस के बीच में उन्होंने काम करने की अपील की कि लंबी माला पहनने के बजाय लोगों से मिले। कमलनाथ जी ये चाहते हैं कि एक कार्यकर्ता से लेकर के विधायक तक और पार्टी के पदाधिकारियों तक तालमेल बने, कमलनाथ जी की अपील वो तालमेल बनाने की कोशिश है। जी पटेरी जी, आपका रुख करूंगी, नवदुनिया की अगर बात की जाए यहाँ की एक हेडलाइन है कि मंत्रिमंडल विस्तार से ज्यादा जरूरी है माफिया का सफाया, और हमने भी अभी हाल ही के दिनों में देखा किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान का यहाँ एक्शन मोड नजर आया है। आज के कई अखबारों में इनकी बड़ी खबरें हैं, खासतौर से ग्वालियर को लेकर खबरें हैं जहां अवैध अतिक्रमणों को, अपराधियों के अतिक्रमणों को तोड़ा जा रहा है। एक रोज पहले उज्जैन में भाजपा के कार्यकर्ताओं को पथराव करने वाले दो लोगों के मकानों को तोड़ा गया था। ग्वालियर में भी इस तरह की कार्रवाई की गई अवैध अतिक्रमणों को लेकर, जबलपुर इंदौर ग्वालियर में बहुत बढ़िया कार्रवाई हो रही है, नाम कुछ भी हो लेकिन अवैध अतिक्रमणों को, अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके जाति धर्म में देखा जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कार्रवाई में समानता का भाव होना चाहिए, ऐसा ना हो
कि जो आपके अपने लोग हैं आपकी विचारधारा के साथ उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। कुल मिला के कानून एक साथ काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। रमेश जी, एक आखिरी रिएक्शन आपका लूंगी कि किसान आंदोलन को अब 32 दिन हो चुके हैं, लगभग एक महीना यहाँ पूरा हो चुका है। हेडिंग भी जो खबरें पहले प्रमुखता से छापी जाती थी फ्रंट पेज पर, अब वो फ्रंट पेज की जगह दूसरे तीसरे नंबर पर दिखाई देती है पेज पर ज्यादातर अखबारों के। ऐसे में किसान आंदोलन में एक और खुदकुशी हो गई है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, मोटे तौर पर ये बात अब स्पष्ट होने लगी है कि इस किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है। किसानों का केवल फोटो है और कुछ लोग हैं जो इसमें राजनीति करने लगे, इसलिए मीडिया ने खबरें पहले पेज से लेकर के या हेडलाइन से लेकर के नीचे कही। जहां तक आत्महत्याओं का है, ये तीनों जो खुदकुशियां हुई हैं, जिसमें आज भी एक किसी वकील ने भी की है, ये तीनों एक खास राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इनका उद्देश्य किसानों का हित करना नहीं बल्कि सरकार को गिराना है, सरकार को कमजोर करना है। मुझे आप ये बताइए, एक कोई वकील है या कोई संत है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसानों के कितने मुकदमे लड़े या कितने गांव जाकर के किसानों की समस्या हल की? वो कुछ नहीं किया। ये सारे प्रोफेशनल लोग और किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं जो सरकार, ये किसानों का हित नहीं बल्कि सरकार को दबाने के लिए ये सारे उपक्रम किए जा रहे हैं। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और तमाम उन खबरों पर यहाँ चर्चा की दो वरिष्ठ पत्रकारों से, शिव अनुराग पटेरिया जो रमेश शर्मा जी, जिन्होंने ज्यादातर अखबारों की सुर्खियां बटोरी है और आगे आने वाले समय में भी ये सुर्खियां बनकर रहती है, महज खबरें बनकर रहती है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा निमाड़ क्षेत्र के अखबार क्या कुछ कहते हैं, वहां की जो प्रमुख सुर्खियां हैं वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं जिनसे परिचय करा देते हैं। टीएन मनीष जी और भानु चौबे जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। टीएन मनीष जी, शुरुआत आपसे, ग्वालियर चंबल संभाग की प्रमुख सुर्खियां क्या है? देखिये, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो आज सुर्खी बनी है, ब्रिटेन से एक युवक लौटा है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके बच्चे और पत्नी दोनों नेगेटिव आए थे और तत्काल उनको उसने अलीगढ़ भेज दिया था। 10 दिसंबर को ब्रिटेन से दिल्ली और वहां से ग्वालियर आया था ये युवक। ये जो है विनय नगर में रहता है, तो वहां पूरे इलाके में हड़कंप है। सेक्टर 4 इलाके में प्रशासन जागरूक हुआ है। शिवा अपार्टमेंट की ये घटना है। अब जो है रविवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से लगातार ये पता किया जा रहा है कि आने के बाद वो कहाँ कहाँ गया है, महाराजवाड़े में कहाँ से कौन सी खरीदारी की है। और एक बात ये भी समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो ये युवक है, इसने जो है प्रशासन को वो सहयोग नहीं किया अभी तक जिसकी अपेक्षा है। इसके अलावा हम बात करें तो सिंधिया जी का कल दौरा था, लगातार लोगों से मुलाकात का उनका सिलसिला चलता रहा। प्रभुराम चौधरी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हो और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को जयराज पैलेस में रहे हैं इस दौरान। और सिंधिया ने व्यापारी लोगों को ये भरोसा दिलाया यूनियन को कि मेला इस बार लगाया जाएगा, रोड टैक्स 50% छूट के लिए भी डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से बात करके वो प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक बात और भी आ रही है कि राज्यसभा सांसद सिंधिया ने जयविलास पैलेस में लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से जब मुलाकात की तो कोरोना की तमाम गाइडलाइन की धज्जियां बिखेरी गई। उनके स्टाफ ने भीड़ को कम करने के लिए अलग अलग लाइन में जो कुर्सियां रखी थी उसका कोई अनुशासन नहीं हुआ। सिंधिया जैसे बाहर निकले तो कोविड गाइडलाइन को भूलकर लोग उनकी एक झलक के लिए पूरी तरह से आतुर देखे। नगर निगम चुनाव रोकने के कारण अब फिर से वोटर लिस्ट बनेगी, एक खबर ये भी है। दूषित पानी मामले में पुरानी लाइन को बंद करके नई लाइन से पानी सप्लाई का मामला है। किसान आंदोलन से प्रभावित होने के चलते पंजाब से आने वाली मटर की आवक में 10 रुपए किलो का उछाल है। ऐसे में सर्दियों के बावजूद हरी सब्जियों में उछाल की खबर है। बिल्कुल भानु जी, मालवा निमाड़ क्षेत्र के अखबार क्या कहते हैं? जी, विधानसभा सत्र स्थगित हुआ है, जगह जगह कोरोना के कारण सरकार के कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं, लेकिन भोपाल में कल युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में कोरोना सुरक्षा की धज्जियां उड़ गई। इसके पहले बीजेपी का एक कार्यक्रम था, उसमें भी भोपाल में धज्जियां उड़ी थी। मुख्यमंत्री का बयान बड़ा चर्चित है, बड़ा छपा है, मंत्रिमंडल विस्तार से जरूरी माफिया का सफाया। बीना सागर में एरन में ऐतिहासिक स्थल की खुदाई का मामला है,
उसमें कुछ पुरातत्व मिल रहा है। अलीराजपुर के नगरपालिका अध्यक्ष पटेल को पद से हटा दिया गया है। उज्जैन में अफवाह फैलाने पर रासुका लगेगी, कलेक्टर के निर्देश है। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, शांति है वहाँ, कोई घटना नहीं हुई है। और जबलपुर की एक खबर हाईलाइट हुई है, 5 माह में 1 पुलिस अधीक्षक 3 बार कोरोना से संक्रमित हो चुका है, ये एक नया ट्रेंड है। और एक खबर हाईलाइट हुई है, ग्राहकों से कैरी बैग के लिए पैसे वसूलना गलत है, ये जिला उपभोक्ता फोरम का एक फैसला था, उस पर मोहर लगी है दिल्ली से। और इंदौर में हेलमेट अभियान चल रहा है, सफाई के लिए रोबोट मशीनें सड़क पर उतर गई हैं, स्वच्छता सर्वे होने वाला है। नए वर्ष के जश्न पे प्रतिबंध लग गए हैं, डीजे डिस्को पर भी प्रतिबंध है। और कंटेनमेंट क्षेत्र वाले कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होगी, ऐसे निर्देश दे दिए गए हैं। रितु जी, यही बड़ी खबरें हैं आज इस तरफ। बिल्कुल, टीएन मनीष जी आपका रुख करूंगे, आपने किसान आंदोलन की खबर का यहाँ जिक्र किया, यहाँ एक और मौत हो चुकी है, वकील अमरजीत सिंह ने यहाँ सुसाइड किया, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है सर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन में लगातार जो बीजेपी की कोशिश है, केंद्रीय स्तर पर भी कोशिश है, संगठन स्तर पर भी कोशिश है, तो वो लगातार एक बात ये चल रही है, अपनी लकीर को बढ़ाने की कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन इस बीच में अब जिस तरह से किसान आंदोलन ने अब जो रुख ले लिया है, उसमें जिस तरह की अब घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए सरकार के माथे पर भी बल पड़ रहे हैं, लगातार कोशिश जारी है। लेकिन अभी तक वार्ता का दरवाजा इसलिए नहीं खोल पा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अपनी बात से खटधर्मी है। एक तरफ तो सरकार चाहती है कि वार्ता के लिए आए, लेकिन किसानों का सीधे तौर पर ये अलग अलग जो किसान नेता उनके अब तक के जो वक्तव्य आए हैं, उनसे ये समझ में आता है कि कोई चीज नहीं चाह रहा है कि जब तक कि आप तीनों कानून वापस लेने की वकालत नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, भरोसा नहीं दिलाएंगे, तब तक वार्ता का रास्ता नहीं खुलेगा। तो ये जो मामला, लेकिन इसके बावजूद ये संकेत ये मिले थे अभी की वास्तव में ये लोग जो है अब बात करने के लिए तैयार हो, लेकिन बातचीत का रिजल्ट क्या निकलेगा ये बड़ी बात है। और दूसरा, चंबल इलाके से भी लगातार अब जो है किसानों के जत्थों का जाने का सिलसिला चल रहा है। सर, लेकिन क्या लगता है कि कब तक ये बीच का रास्ता निकल पाएगा? देखिए, बीच का रास्ता निकालने की जहां तक कवायद की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीच का रास्ता है, ये तभी निकल पाएगा जबकि हम इस पूरे मामले को लेकर के सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के सरकार उस तरह से जागरूक नहीं दिख रही है जिस तरह से सरकार को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि संवाद का रास्ता सरकार खोल नहीं पा रही है। और उस वजह से दिक्कत ये आ रही है कि कहीं ना कहीं एक 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 जो संवाद है वो विवाद की स्थिति को खत्म करेगा, लेकिन संवाद का रास्ता आखिर खुले तो कैसे खुले, क्योंकि अभी तक सरकार की कोशिश ये थी कि संगठन के बीच में से कुछ ऐसे नेता सरकार के फेवर में ले लिए जाए और वो बाकी आंदोलन के लिए उग्र किसानों को समझाइश दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। भानु जी, आपका रुख करूंगे, एक आखिरी रिएक्शन लूंगी। राजनीतिक गलियारों की अगर बात की जाए तो वो क्या कोई अभी प्रमुख सुर्खियां है जो राजनीतिक गलियारों में जिन्होंने ज्यादा हलचल मचाई हो? देखिए, इस वक्त तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार और नगर निगम की नियुक्तियां अटकी हुई है, जिसपे सबसे ज्यादा फोकस है कार्यकर्ताओं का, और उसमें केंद्रीय सेक्टर को देखा जा रहा है। दूसरा, ये दिल्ली स्तर पर देखें तो किसान आंदोलन ने सरकार की नींव हिला के रखी है। दरअसल सरकार को अगर कानून के पीछे कोई प्रतिष्ठा या कोई हिडन एजेंडा नहीं है तो रद्द कर देने में अब कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आंदोलन बहुत खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया है। यही राजनीतिक सुर्खियां हैं और तो कोई बड़ी अभी खबर नहीं है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हो और यहाँ पर ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा निमाड़ क्षेत्र की खबरों के बारे में बताया, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल टुडेज हेडलाइन में इतना ही, आप बने रहिए जेएनएन के साथ। नमस्कार।